बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत वाफियत से होंगे। और आज का नया व्लॉग शुरू करते हैं। अभी जब हम मंडी से आ गए हैं, अभी सामान हुआ ही सेम रूटीन है, सामान उतारते हैं। और सबसे पहले आज आपको जुम्मा मुबारक हो, क्योंकि आज ये मे भी हो सकता है ये कि रमज़ान का आखिरी जुम्मा हो। और अभी मैं आ गया हूँ इधर सामान उतारने, मैं कहते थे व्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। अच्छा, ये सारे काम शाम ख़त्म करके जो सामान दोनों दुकान सामान उतारना था वो उतार के, फ्रीज वगैरह और जो ऑर्डर वगैरह आए हुए थे वो दे दो के फारग हो गए हैं। तो अभी जो उस दिन मैंने आपको बताया था, अभी जहाँ पे दो शॉप जाना था, कुछ चीज़ें घर के लिए लेनी थी, तो वो भी लेने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा अभी फ्री हुआ तो चलते हैं। आज का गाड़ी भी काफ़ी तकरीबन दो महीने के बाद चला रहा हूँ, दो महीने से ऊपर ही हो गया, तो आज अजीब अजीब लग रहा है वो, क्योंकि वो दूसरी गाड़ी वो थोड़ी ऊपर है, ये ज़्यादा नीचे हो जाता है, तो ये इसका ये डिफरेंट है कि चलाते हुए भी थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। वो सुनता है सबकी दुआ के, तो देखो तुम अपने नसीब आज़मा के, तो देखो स्याही गुनाहों की धुल जाए दिल से, तुम आँखों से आंसू बहा कर तो देखो। वो सुनता है सबकी दुआ कर तो देखो तुम अपने। ये जी, हम मिर्कादोना पे पहुंचे हैं। सबसे पहले मिर्कादोना पे जाते हैं, यहाँ से एक लेने फ्रूट चाट के ऊपर वो चकलेट सी डलती है वो लेनी है, और एक दो चीज़ें लेनी है वो लेते हैं। फिर ऊपर एक और दूसरी दुकान है, वहाँ पे भी जाना है। भैया जी, मिर्कादोना के अंदर आ गया। ये जो इनके पास गोश्त जो बेशक मुर्गी वाला है या दूसरा जो भी है वो वाला हम नहीं खा सकते, हमें वो स्पेशल लेके आना पड़ता है अपना, इनसे अपने मराकश के बंदे हैं वहाँ से हलाल, उनके पास हलाल नहीं होता। इधर मुझे चीज़ चाहिए थी, इधर ही कहीं पे पड़ी होगी, तो काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ। और जी, ये मिल गया मुझे, ये वाला चाहिए था, ये वाला चॉकलेट के ऊपर डाल के खाते हैं, ये बहुत मज़े का होता है। और इनके पास और भी किस्मों के इधर पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे ये वाला चाहिए, और भी देखते हैं कुछ चीज़ खाने पीने के लिए। और ये अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था ये इम्तियाज़ माल वाले, उन्होंने भी स्पेन वालों की तरह ही बनाया हुआ है। ये देखें इनका, यहाँ पर हर चीज़ बंदे को मिल सकती है। ये बर्तन वगैरह, बस इस दुकान पे ये कपड़े वगैरह नहीं है, लेकिन जो इससे बड़ी दुकानें होती है उसमें कपड़े वगैरह भी होते हैं, इसमें नहीं है। और ये जी, मिर्कादोना से ले लिया सामान, अब जा रहे हैं ऊपर, जाना है ऐसे ऊपर ही दुकान है दूसरी, इसका क्या नाम है, ऐसे क्या कहते हैं, अब तो याद भी नहीं आ रहा, इससे माइक्रो पर जाते हैं। और ये जी, गाड़ी यहाँ पर पास ही खड़ी की है, और वो पढ़ा ही लिखा माइक्रो, आप 1500 माइक्रो। ये माइक्रो वो दुकान है यहाँ से, जिन लोगों की दुकानें वगैरह होती है ना, वो जो थोक के हिसाब से सामान मिलता है, प्राइस लिखी होती हैं। ये देखें इधर चूल्हे किचन के लिए, ये वो सारे फ्रिज वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है इनके पास। अच्छा, इधर आया था तो मेरा दिल कर रहा था मच्छी खाने का, तो मच्छी ले लेते हैं, फ्रेश मच्छी है लगी हुई है 595 की मेडलू साहब। और ये जहाँ पे अपने रिजवान भाई रहते हैं, जिन्होंने अपनी कल वाली वीडियो में गोनवाल गो कहा था, तो उनके मोहल्ले से आती है ये। अभी वो बंदा अंदर है तो उसे कहता हूँ इसे बना दे, फिर टाइम निकाल के इंशाल्लाह ताला इससे भी खाएंगे, वो आपको भी दिखाएंगे इसकी रेसिपी। उधर देखिए काफ़ी मछलियाँ वगैरह, उसके अलावा यहाँ पर जो वो काकरोच वगैरह होते हैं, काकरोच नहीं है ये भी मछली की किस्म ही होती है, वो है इधर। और ये जी, इधर पेपर शेपर पड़े हुए हैं, वो सामने शराबें हैं, और ये देखें कोका कोला वगैरह भी पड़े हुए हैं काफ़ी, और इधर ड्राई फ्रूट वगैरह सारा।
ये देखिए पूरे के पूरे रैंक है, ये ऊपर तक भी है, उस साइड पे भी आए हैं। देखिए और ये जी इधर सालमोन मछली लगी हुई है 13 यूरो 45 सेंट की। ये आपके लोग के हिसाब से भी ले सकते हैं, अगर आपने पूड़ी लेनी है पूड़ी भी ले सकते हैं, अगर दूसरा लेनी है वो भी ले सकते हैं। और ये भी है 1.7 यूरो 45 की है कोर्बिना, लेकिन मैं शुरू से ही मेडलूसा का इलावा हूँ, मुझे मेडसला बहुत अच्छी लगती है, ये मैंने कहा चलो वो लेते हैं। और इनके बाद अतून लोमो की अतून भी पड़ी हुई है 4 किलो की पैकेट में, और इधर साड़ी इनके पास ये मच्छी साड़ी पड़ी हुई है, ये देखें ये प्रॉन्स है गंबा मच्छी इनको कहते हैं। ये ऑप्टिको पुल्पो को सीधो पड़ी हुई है। मुसीबत में उसको बुला के तो देखो, वो है हयू कयूम शहरग से नस्ती, मुसीबत में उसको बुला कर तो देखो, वो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, नबी से वफा तुम निभा कर तो देखो, वो सुनता है सबकी दुआ कर तो देखो, तुम अपने दिल से तुम आँखों से आंसू बहा कर तो देखो, वो है हयू कयूम शहरग से नस्ती, मुसीबत में उसको बुला कर तो देखो, वो है हयू कयूम शहरग से नस्ती, मुसीबत में उसको बुला कर तो देखो, वो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, नबी से वफा तुम निभा कर तो देखो, वो सुनता है सबकी दुआ कर तो देखो। भैया जी मैं नहा धो के रेडी हो गया, व्हाइट कपड़े पहन लिए, मैंने कहा जुम्मे तो अभी छोटा भाई तैयार हो रहा है तो वो भी आने वाला ही है, तो उसे भी लेता हूँ साथ, मैंने कहा चलो तुम ही चलो मेरे साथ जुमा पढ़ने, तो चलते हैं जुमा पढ़ते हैं, मिलते हैं आपको गाड़ी के पास। फिर आप गाड़ी ये सामने ही खड़ी की थी, यहाँ पे जगह मिल गई थी, मैंने कहा चले अभी छोटा भाई पता नहीं कहाँ पे रह गया, आने वाला ही था, कहता अब जाओ मारता हूँ। भैया जी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है, अब चलते हैं, टाइम थोड़ा ही रह गया क्योंकि टाइम पहले 3 बजे होता था जुमा, तो अब उन्होंने बताया है कि 2:30 बजे होगा, एक बंदे से पूछा है मराकश का बंदा था, तो वो कहता है एक से पूछा वो कहता 2 बजे, एक से पूछा वो कहता है 2:30 बजे, अब जाते हैं देखते हैं हमारे नसीब में जुम्मा है या नहीं है।
ये भी दो बंदे जा रहे हैं और हम भी दो हैं, बाकी बाकियों का नहीं पता। ये ना हम आखिरी बंदे हो और तर्जुमा हो, अजय चले जाते हैं देखते हैं बेचारे और भी देखते हैं। मौसम चल रहा है, महीना चल रहा है जी अप्रैल का, और बंदों ने कोट मैंने खुद पहना हुआ है, बंदों ने भी पहने हुए हैं क्योंकि सर्दी काफ़ी, आज भी देखें बारिश होती रही है। और ये जी हमारी इधर मस्जिद का नाम ये है सेंट्रो कुल्तुरा इस्लामिको दे सान सेवास्तियान। ये मस्जिद पाकिस्तान वाली नहीं है, ये बेचारा हमने गराज वगैरह लिया उसमें ही माशमाल पढ़ते हैं सारे। وأن عمر الإنسان فيها قصير نهايته الموت ثم الحساب ثم الشقاء أو السعادة الإنسان يتوفى يعني مشقي أو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ما لي وللدنيا ما أنا إلا راكب أستظل تحت شجرة ثم راح وتركها ما لي وللدنيا ما أنا إلا كراكب يعني الإنسان غادي بحال راكب حشرة واحد البهيمة وماشي 65 يوما الساعة تطول أنه لا يتوتر وأنه مجرد التباكي على ذهاب رمضان لا يفيد صاحبه إنسان كيجي كتشي فرصة ذهب يدي رمضان وكيف يفوتها ما كيستغلها لا في ذكر الله ولا في الصلاة ولا في التقرب إلى الله ولا التضرع لله ولا المغفرة والاستغفار كيف فرط يعني التفريط إنسان كيف فرط فيها فإن الكلام على ذلك تكرر كثيرا وأن مجرد تباكي على ذهاب رمضان لا يفيد صاحبه ما لم يكن ذلك محفزا له على استغلال الزمان يعني 30 يوم ديالك رمضان فرصة ذهبية ديالك ربك عطاك عام وانت عايش حياة जी जी जुम्मा पढ़ के आ गए। तो ये था मेरा आज का, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दें, फिर मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।